जो भी हजरात हमारे न्यूज़ चैनल पर अपना एडवर्टाइजमेंट करवाना चाह रहे हैं वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करें और वहाँ से जानकारी हासिल करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखते रहिए हर खबर हर घर आई टुडे न्यूज़ पर। हर खबर हर घर आई टुडे न्यूज़ पर स्वागत है आपका आई टुडे न्यूज़ इंडी में। मैं आपके साथ मोहम्मद नासिर। कल इंडी शहर के अमर फंक्शन हॉल में ऑल इंडिया पयाम इंसानियत शाख इंडी की जानिब से ब्लड डोनेट कैंप मुनाकद किया गया था। इस कैंप में देखने को मिली इंसानियत की एक झलक। औरंगाबाद से मौलाना जुनैद फारूकी साहब और श्री 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 अभिनव मुर्गेंद्र शिवाचार्य स्वामी और राजशेखर फादर एक ही मंच पर आए नजर और इंसानियत को लेकर अपने तासुरात भी पेश किए। इस ब्लड डोनेट कैंप में हर मजहब के लोगों ने खून का अतिया दिया। कमोबेश 50 के करीब लोगों ने ब्लड डोनेट किया। विजयपुर की डॉक्टरों की टीम ने इस कैंप को लीड किया था। इस मौके पर डॉक्टर आई एस धारवाड़कर, अतीक अहमद शेख, अजीम इनामदार, डॉक्टर अर्चना कुलकर्णी, डॉक्टर राजेश कोड़ेकर, डॉक्टर कमलाकर देसाई, सदानंद बिरादार, मौलाना गौस साहब, मुख्तार अहमद अरब और पयाम इंसानियत की सारी टीम भी थी मौजूद। आइए देखते हैं। अखिल भारत मानवीय संदेश सारुव अर्थपूर्ण कार्यक्रम इवत्तिन दिवस यशस्वी नडेदिदे। सुमारु 25 40 संख्येयल्लि रक्तदान माडुव युवकरु देशक्के ओंदु संदेशवन्न कोट्टिदे। नावेल्ल जातीय बण्णगळन्न हच्चिकोंडु मतगळ पंथगळ गोडेगळन्न निर्मिसिकोंडु ಬದುಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಆಗಿರೋಣ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಭಗವಂತನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರಕ್ತ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾನೆ, ರಕ್ತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಸಾರೋ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಮಾಜಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूं इस पयाम इंसानियत की पूरी टीम को, जिन्होंने एक ही सफ़ में एक फ़ादर को, एक स्वामी जी को और एक आलिम साहब को बिठाया था. ये बहुत एक बेहतरीन संदेश है इस देश में जो वातावरण चल रहा है, जो हिंदू मुसलमान की लड़ाई करा रहे हैं. कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिनकी वजह से ये सारी लड़ाई होती है, और इस मंच को जो इन्होंने आज पॉलिटिकल जो भी चेहरे थे उन्हें दूर रखे, सारे इंसानों को जहाँ इन्होंने बुलाया था तो सारी इंसानियत की यहाँ पे बात हुई है. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी न्यूज़ के माध्यम से इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस शहर में एटलीस्ट इस जगह पे हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं होगी, और एक मुसलमान दूसरे हिंदू भाई के लिए, दूसरा हिंदू भाई मुसलमान भाई के लिए हमेशा मदद करने के लिए खड़ा होगा. मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ. और आपने जो ये ब्लड डोनेशन कैंप किया है, ये इस देश में, इस दुनिया में सबसे बेहतरीन काम है. एक शख्स दूसरे भाई को, अपने भाई को खून देकर उसकी जान बचाने का जो काम करते हैं वो दुनिया का सबसे बेहतरीन काम है. आप सारी चीज़ें दे सकते हैं सिवाय खून के. अगर आप किसी और भाई के लिए आप खून देकर उसकी जान बचाने का काम करते हैं तो इस दुनिया का सबसे बेहतरीन काम होगा. और मैं सारे लोगों के लिए मैं दुआ करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में आप इससे बढ़ चढ़ कर आप यहाँ पे कैंप्स करें. सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप मत कीजिए, आप मेडिकल चेकअप हो या फिर सर्जरी वगैरह के कैंप्स वगैरह ऑर्गेनाइज कीजिए. इंशाल्लाह आपके आसपास के जो भी गरीब लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करा सकते वो लोग इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आपके कैंप से फ़ायदा उठाएंगे और आपको बहुत सारी दुआएं देंगे. अस्सलाम वालेकुम.
ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿರಣ್ಣ ಧಾರವಾಡಕರ್ ಅಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ರಕ್ತ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗೂ ಎಚ್ ಐ ವಿ ಏಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಬಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾದ ದಿವಸ ನಮಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಮುಖಂಡರು ಧರ್ಮಗುರುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಇಂಥ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸುಮಾರು 24,000 ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 24,000 ಬಾಟ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು 18,000-19,000 ರಕ್ತವನ್ನು ಕೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಾಗ ಇವತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು 21-22 24,000 ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೊಂಡು ಕೂಡಿ ನಾವು ಮೂಡ್ತೀವಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ರಕ್ತದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಾವು ಅಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯೊಳಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ನಾನು ಭಾಗಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಆ ಕೀರ್ತಿ ತಮಗೂ ಸೇರ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ತುಂಬಿರುವುದ ಧನ್ಯವಾದ. ಇಲಾಖೆ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇಂಡಿಯಲ್ಲಿ. ಇದು ಖುಷಿ ವಿಷಯ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಓಡಾಡೋದು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಹೀಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೇಗೆ ಇದು ರಕ್ತದಾನನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ, ಹಾಗೇ ರೀತಿ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೂಡ ಹೀಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ಸುಗೊಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. देखिए, पयाम इंसानियत बुनियादी तौर पर इंसानों का काम है और इंसानों का काम इंसानों के दरमियान मुसलसल होना चाहिए, और अगर ये काम नहीं होगा तो हमारे यहाँ वैसे ही आजकल माहौल थोड़ा ख़राब है. तो इस माहौल को देखते हुए हमें इंसानियत का काम करना है, और यही डिफरेंस है, ह्यूमैनिटी ही डिफरेंस है. हमारे अंदर जो मोहब्बतें होती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे की मदद करने का जो जज्बा होता है, यही इंसानों का काम है. दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल. आपने देखा होगा इन जानवर जो होते हैं उनकी ज़िंदगी का मकसद होता है खाना पीना बस. इंसानों की ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं होता. इंसानों को ऊपर वाले ने इसलिए बनाया है कि वो मोहब्बत के साथ, ताल्लुक के साथ एक दूसरे की मदद करके इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारें, और यही मैसेज और यही पैगाम है जो लेकर हम सारे मुल्क में चल रहे हैं. और उम्मीद, यहाँ पर भी जो प्रोग्राम हुआ, ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम हुआ, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि सबके खून का रंग एक होता है. हमने अपनी स्पीच में भी यही कहा कि अक्सर हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं लोगों को, लेकिन जब खून लेने का या देने का मामला आता है तो हम न कम्युनिटी देखते हैं, न रिलीजन देखते हैं, न कास्ट एंड क्रू, कुछ नहीं देखते. वहाँ पर हमें ज़रूरत होती है. इसी तरह से ज़रूरत खून की नहीं, ज़रूरत हर इंसान को दूसरे इंसान की है. इस ज़रूरत को हमें पूरी करना है, इंसानों के काम आना है, इंसानों इंसान बन कर रहना है, इंसानों की सी ज़िंदगी गुजारनी. यही पैगाम लेकर हम सारे मुल्क में जाएं. यहाँ पर जो काम शुरू हुआ इसको आप मीडिया के ज़रिए फैलाएं और लोगों के दरमियान इस पैगाम को आम करें कि इंसान बन कर रहें, मोहब्बत के साथ रहें, ताल्लुक के साथ रहें, एक दूसरे के काम आएँ, क्योंकि यही वो चीज़ है जिससे पीस हासिल होगा. A righteousness in the heart will lead to the righteousness in the home, and righteousness in the home will lead the peace in the country, and peace in the country will lead peace in the world. To kaam shuru hota hai individually. Aapke andar ek ehsaas hoga, ek jazba hoga, to ghar mein bhi wo jazbe aayenge, town mein bhi wo jazbe aayenge, aur phir pure state mein wo jazba aur wo mohabbat ki fiza qaim hogi, phir pure mulk mein hogi. तो ज़र्रा ज़र्रा मिलकर बनता है सहरा और कतरा कतरा मिलकर बनता है समंदर. तो एक इंसान जब बदलेगा, एक इंडिविजुअल बदलेगा, तो पूरी सोसाइटी बदलेगी और फिर वो कलेक्टिवली काम होगा. तो बस इस टाउन से, इस छोटी सी जगह से काम शुरू हुआ, तो इसको फैलाने की ज़रूरत है और बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत है. मीडिया जो कवरेज कर रहा है बहुत अच्छी बात है, और दूर तक इसको पहुँचाए और इस पैगाम को आम करें. कि आज हम एक पयाम इंसानियत के उन्वान से, पयाम इंसानियत के प्लेटफॉर्म से एक तमाम इंसानियत को यहाँ पर जोड़े थे. अल्लाह के शुक्र से तमाम ने हमारा इंसानियत के उन्वान पर साथ दिया और हमारा कामयाब रहा जलसा, और तमाम के ताउन से बहुत हमारे उम्मीदों से भी हज़ार गुना कामयाब रहा. मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ, फर्दन फर्दन हमारे स्वामी जी का, हमारे फादर साहब का, हमारे जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे, और हमारे तमाम बिरादरान वतन का, और हमारे तमाम जितने अहबाब ने हमारा साथ दिया इस मामले में, खिदमत गुजारों का मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम को धन्यवाद कहता हूँ. तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात ख़त्म करता हूँ. जजाक.